Hey, what's up viewers, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम ये लाइट्स अपनी साइकिल में लगाएंगे जो तीन तरीके से काम करती है, जैसे ब्रेक लाइट्स, टर्निंग इंडिकेटर्स और हजार्ड लाइट। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो गाइज, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये LED चाहिए, छोटे वाली। और गाइज, इन लाइट्स को ज़्यादा वोल्टेज से बचाने के लिए हमें चाहिए 10 ओम के रेजिस्टर्स। और हमें अपनी साइकिल में चार लाइट लगानी है और इन लाइट्स के लिए चार रेजिस्टर चाहिए हमें। तो सबसे पहले हमें इन लाइट्स का एक वायर कट कर देना है और इन रेजिस्टर का भी, और फिर ये रेजिस्टर इन सारी LEDs पे शोल्डर कर देंगे एक एक करके। फिर गाइज, हमें इस टाइप की एक पाइप लेनी है जो कि आपको मेडिकल स्टोर पे आराम से मिल जाएगी। और गाइज, इन पाइप में ये जो LED है बिल्कुल फिट आ जाती हैं, इसलिए मैं इनका यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए गाइज, इन सभी लाइट्स को इन पाइप्स में लगाएंगे। फिर दोस्तों, इस तरीके से हमें ये लाइट इन पाइप में लगा देनी है। और लगाने के बाद हमें इस टाइप का वायर लेना है और इसमें से हम दो वायर निकाल लेंगे। और फिर हमें चार वायर कट करने हैं, दो लाइट के साइज जितने, और दो थोड़े से बड़े होने चाहिए। तो अभी जो छोटे वाले वायर हैं हम LED के ऊपर शोल्डर करेंगे, पर पाइप को बचा के हमें शोल्डर करना है ये। तो चलिए, ये शोल्डर हो गया है। अब ये वायर हमें इस पाइप के ऊपर चिपका देना है, एल्फी या फिर आप फेविक्विक का यूज़ कर सकते हो इसे चिपकाने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से आपको ये वायर इस LED के पीछे लगा देना है। तो इस तरीके से आपको ये चिपकाना है लास्ट तक। फिर दूसरी तरफ आपको ये दूसरे वाला वायर जो है बड़े वाला, वो ज्वाइन कर देना है इस छोटे वाले वायर के साथ, और ये दोनों वायर आपको LED के ऊपर शोल्डर कर देने हैं। लेकिन दोस्तों, हमें पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स का ध्यान रखना है, नहीं तो तार उल्टे हो गए तो दोबारा से शोल्डर करना पड़ेगा। तो देखिए गाइस, इस तरीके से जो हमारी लाइट्स हैं वे रेडी हो गई हैं, और इस तरीके से लाइट जलती हैं बहुत ही ब्राइटली। फिर गाइज, हमें मोबाइल का कोई भी पुराना कवर आपके पास पड़ा हो वो यूज़ करना है, ब्लैक हो या वाइट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको उसके ऊपर ये ड्रॉ करना है। और गाइज, इसे ड्रॉ करने के बाद हमें कट कर लेना है, फिर इसमें दो होल करने हैं। ध्यान रखना आपको ये थोड़े से आगे की तरफ ही होल करने हैं, और एक होल बिल्कुल छोटा होना चाहिए और एक बड़ा। फिर हमें इस टाइप की मेटल स्ट्रिप लेनी है, आप किसी चीज़ से काट सकते हैं ये। फिर आपको ये इसके ऊपर लगाना है, तो उसे लगाने के लिए आपको ये स्ट्रिप इस तरीके से मोड़नी पड़ेगी। फिर एक वायर लेना है और उस वायर को इस तरीके से इसके ऊपर लगाना है। फिर आपको ये मेटल स्ट्रिप है इसके ऊपर लगा के और प्लास से दबा देनी है। दोनों तरफ आपको ऐसे ही करना है, और फिर आपकी जो ये ब्रेकिंग का सिस्टम है ये रेडी हो जाएगा। और अब फ्रेंड्स, हमें ये सर्किट लेना है जिसे हमने पहले बना लिया था। तो अगर आपको ये बनाना है, इसकी वीडियो देखनी है, तो आई बटन पर क्लिक कर दीजिए। और गाइज, इसमें चार वायर है, दो बैटरी के और दो LED को ब्लिंक करवाने के लिए। और दोस्तों, इस पूरे सिस्टम को बनाने के लिए हमें ये स्विच चाहिए जिसके ऊपर हमने ये छोटा स्विच चिपका दिया है, और उस स्विच के दोनों वायर बड़े वाले स्विच के दोनों साइड के वायर में लगा दिया है। और फिर इस स्विच में तीन लंबे वायर अटैच कर दिए हैं। फिर गाइज, ये छोटा सा स्लाइड स्विच लेना है जिससे हमारे सर्किट जो है वो ऑन ऑफ होगा, और फिर ये सर्किट बना लेना है आपको। और ये है बैटरी जिससे हमारा जो है सारा सिस्टम काम करेगा। अब ये गाइस, हमें ये LED लेनी है और इसे फेविक्विक से ही या फिर एल्फी से
यहाँ पे चिपका देना है, या फिर आपको जहाँ पे अच्छा लगे आप वहाँ पे चिपका सकते हो उसे। तो इसके पीछे हमें वायर के ऊपर फेविक्विक लगानी है और फिर इसे चिपका देना है। तो गाइज इसी तरीके से आपको दोनों तरफ ये लाइट्स जो है चिपका देनी है और इनका वायर्स ऊपर की साइड कर देना है आपको चिपका के। और अब फ्रेंड्स हम ये स्विच अटैच करेंगे अपनी साइकिल में। तो आपको जहाँ अच्छा लगे आप वहीं पे अटैच कर लीजिए इसे, जहाँ पे स्विच को लगाने की जगह हो। तो इसे चिपकाने के लिए मैं फेविक्विक का यूज़ कर रहा हूँ और ये स्विच यहाँ पे लग जाएगा। फिर आपको इसके वायर हैं सारे वायर्स के पास ले जाना है। तो इस तरीके से चिपकाते हुए आपको ये वायर पीछे तक ले जाने हैं। तो ये सारे वायर्स हैं यहाँ पे आ गए हैं और अब हम इन सारे वायर्स में कनेक्शन करेंगे। तो उससे पहले हमें ब्रेक का सिस्टम भी कर लेना है। तो सबसे पहले हमें ब्रेक खोल लेने हैं और फिर ये ब्रेकिंग सिस्टम जो है हमने बनाया था उसे लगाना है। तो गाइज ये जो चीज़ है स्विच की तरह वर्क करेगा जिससे हमारी लाइट है ऑन ऑफ होगी। और इसे अटैच करके आपको इस तरीके से लगाना है कि ये दोनों मेटल है आपस में टच ना हो, और फिर ब्रेक को पहले की तरह टाइट कर देना है आपको। तो इस तरीके से हमें ये लगा देना है और इसके वायर भी वहीं तक पहुँचाने हैं जहाँ पे सारे वायर्स हैं। तो टेप को आपको इसके ऊपर लगा देना है और सारे वायर्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स सारे वायर यहाँ पे आ गए हैं और सबसे पहले हमें अपना सर्किट लेना है और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें उसे एक पॉलिथीन में पैक कर देना है, या फिर आप इसके लिए एक बॉक्स ला सकते हैं और उसमें बैटरी और ये सर्किट डाल सकते हैं। पर अभी हमारे पास बॉक्स नहीं है इसलिए हम इसे ऐसे ही फिक्स करेंगे। तो ये है बैटरी और इस बैटरी को हमें सर्किट के साथ जोड़ना है, पर उससे पहले हमें स्लाइड स्विच इसके साथ अटैच करना है। तो हमें बैटरी के दो वायर अलग कर लेने हैं सर्किट में से। और चलिए सबसे पहले हम स्लाइड स्विच को अटैच करेंगे। तो गाइस स्विच का एक वायर आपको सर्किट के कोई से भी एक वायर में लगा देना है बैटरी वाले में। तो इसे जोड़ने के बाद हम इसके ऊपर टेप लगा देते हैं। तो टेप लग गई है और अब जो ये दो वायर्स हैं इसमें हम बैटरी जोड़ेंगे। तो ब्लैक वाला ब्लैक में लगाएंगे और जो दूसरा पॉजिटिव वायर है वो जो स्विच का एक वायर है उसके साथ लगाएंगे। तो ये अटैच हो गया है। तो इस तरीके से हमने ये स्विच इसके साथ अटैच कर दिया है। और सबसे पहले हम जो ये स्विच के तीन वायर हैं उन्हें छील लेते हैं। और अब दोस्तों जो हमारी दोनों तरफ की एलईडी है हमने उनके पॉजिटिव वायर आपस में जोड़ दिए हैं और दोनों नेगेटिव अलग कर दिए हैं। और फिर हमने सर्किट का जो पॉजिटिव है वो दोनों एलईडी के पॉजिटिव में लगा दिया है इस तरीके से। और जो ये सर्किट का दूसरा वायर है वो हमें स्विच के बीच वाले वायर में लगाना है, यानी कि ब्लू वाला वायर। और अब दोस्तों स्विच के भी दो वायर बचे हैं और इन लाइट्स के भी दो वायर बचे हैं। तो आपको उन चारों वायर्स को आपस में जोड़ देना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप
राइट साइड में ऑन करें तो राइट वाली लाइट जले, और लेफ्ट साइड ऑन करें तो लेफ्ट वाली जले। तो उसको देख के आपको ये दोनों वायर लाइट्स के साथ जोड़ने हैं। तो गाइस देखिए, जो हमारी लाइट्स हैं वे जल रही हैं। तो अभी जो है हमें ब्रेक वाले वायर्स हैं लाइट में अटैच करने हैं, ताकि ब्रेक मारने पे भी ये लाइट जलें। तो ये हमारे ब्रेक्स के वायर हैं। आपको इसमें से एक वायर जो सर्किट का नेगेटिव वायर है उसके साथ लगाना है, जिसके साथ हमने स्विच का वायर अटैच किया हुआ है पहले से। तो एक यहाँ पे अटैच कर देना है, और एक आपको कोई सी भी लाइट के साथ अटैच करना है ये वायर, मतलब स्विच का जो दूसरा वायर है, साइड के कोई से भी वायर में आपको ये तार लगा देना है ब्रेक वाला, और यहाँ से हमारा सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे हम ब्रेक दबाएंगे तो हमारी ये चारों एलईडी यानी दोनों तरफ की एलईडी ब्लिंक होगी। फिर आप हमें सारे वायर्स पे टेप लगा देनी है, और बैटरी को यहाँ पे चिपका देंगे। तो गाइस बैटरी जो है वो फिक्स हो गई है, और अभी हमें सारे तार भी टेप से चिपका के फिक्स करने हैं। तो ये तार मैं बाहर से ले आया हूँ, आपको ये तार अंदर से लगाने हैं, ताकि ये सारे वायर बैटरी के यहाँ पे फिक्स हो जाएं। और इस तरीके से आपको ये सारे वायर फिक्स कर देने हैं, और स्विच को आपको यहाँ पर लगा देना है, और जब आप उसे ऑन करेंगे तो लाइट जलेगी। तो गाइस हमने ये लाइट साइकिल में फिक्स कर दी है, और देखिए गाइस ये इस तरीके से काम कर रही है। अभी हमने स्विच को एक तरफ ऑन रखा है, और जो स्विच के बराबर में हमने छोटा सा स्विच लगाया उसे ऑन कर दिया है। और जैसे आप उस बीच वाले स्विच को ऑफ करेंगे तो एक लाइट जलेगी, और जिस तरफ भी आप उस स्विच को ऑन करेंगे तो उसी तरफ की लाइट जलेगी। तो गाइज़ ये हैज़ार्ड लाइट की तरह, और टर्निंग लाइट्स की तरह, और ब्रेक लाइट्स की तरह, तीनों की तरह यूज़ हो सकती हैं। तो गाइज़ देखिए, जैसे ही हम ब्रेक दबाते हैं तो दोनों लाइट जल जाती है, और नहीं तो एक टर्निंग की लाइट जल रही है, और स्विच को जैसे ही हम बीच में करेंगे तो ये सारी लाइट्स बंद हो जाएंगी, और बस ब्रेक वाली काम करेंगी। तो गाइज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और गाइज़ आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए। तो गाइज़ अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।